हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारा, मेरा नाम है विपिन गडारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको अपना ट्रक दिखाना चाहता था। मैंने सोचा कि यार आज ना ट्रक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। ट्रक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई अभी तक हमने। तो ये हमारा भाई 2019 फ्रेट लाइनर है। वैसे थोड़ा बहुत ख़राब हालत पर बहुत ही अच्छा चलता है भाई, पूरा दब के चलता है। तो ये कंपनी का नाम है और इसका नंबर है 393। हमने इसके ऊपर काफ़ी रील्स भी बनाई हैं। अभी पीछे फ्लैट बेड है हमारे पास, तो फ्लैट बेड की ड्राइविंग करते हैं तो फ्लैट बेड ही होगा। और ये मैंने टार पे रखी हुई है और मेरे वाले ट्रक के ऊपर ना APU भी लगा हुआ है। वो काफ़ी बंदे APU देख के ना बोलते हैं कि तू ऑनर ऑपरेटर है। मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, कंपनी ड्राइवर ही हूँ। क्योंकि जो APU लगाते हैं मोस्टली वो ऑनर ऑपरेटर लगाते हैं ना फ्यूल की सेविंग करने के लिए। इसके साथ AC की हवा अंदर जाती है तो फ्यूल की काफ़ी सेविंग हो जाती है। इससे हमें ट्रक चला के नहीं रखना पड़ता। और इसके फ्यूल के टैंक भी काफ़ी बड़े हैं। इसमें 900 डीजल आ जाता है इतने लीटर। और ये हीट के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जो वॉल्वो की है ना ये वाली पाइप बिल्कुल फ्यूल के ऊपर होती है वहाँ पर इसकी फ्रेट लाइनर के इधर है। तो ये चीज़ अच्छी है, सर्दियों में जब भी हम फ्यूलिंग करेंगे तो इसकी जो बाफ होती है ना वो नहीं आएगी। मैं हमेशा जब भी मैं फ्यूलिंग करता था इसको बंद करना भूल जाता था। मैं बाहर आता था फ्यूलिंग करने के लिए, इसकी जो बाफ होती थी वो टैंक के ऊपर आ रही होती थी, तो जो मुझे काफ़ी कम रिस्की लगता था। बैकग्राउंड के लिए 2, 3 और चौथी लाइट उधर है और साथ में 2 विंडो है, एक ये रही विंडो, एक ऊपर रही विंडो। इनमें कुछ ज़्यादा नहीं खुलती, नीचे वाला जो स्पेस है ना वही खुलती है इसमें। और एक खाना है साइड के ऊपर। एक ना चीज़ मुझे फ्रेट लाइनर की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो ऐसे खोलते हैं हम इसको, जो वॉल्वो का है ऐसे खोलते हैं, ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है यार। और फ्रेट लाइनर का जैसे आपको पता ही है कि बम्पर यहाँ से खुल जाता है, तो पहले हम बम्पर खोल के आपको दिखा देते हैं। तो जो वॉल्वो का बम्पर होता है मोस्टली अंदर से खुलता है ना, तो फ्रेट लाइनर के अंदर नहीं जाना पड़ता इसको खोलने के लिए। अगर आपका ट्रक लॉक भी है ना तो भी आप इसको ओपन कर सकते हो। मुझे नहीं पता इसका फ़ायदा है या नुकसान है। तो ये रहा भाई जो है आपके सामने है। और ये को यहाँ पर कूलेंट वाला है और काफ़ी मोटर इंजन काफ़ी कुछ है भाई यहाँ पर। इतना ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि नए ट्रक है ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आती ट्रकों में। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो बंदे को पता चलता रहता है, पर मुझे इसके बारे में भाई मैं आपको बताऊं सच तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन सी मोटर है इसमें। प्लेट हमने यहाँ पर लगा दी थी क्योंकि मैं ओवरसाइज का बोर्ड लगाता हूँ, नीचे ओवरसाइज का बोर्ड ऐसे लग जाता है और प्लेट फिर उसके पीछे छुप जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रखी है इसको। तो ये है भाई हमारा शेर बग्गा बाहर से, तो इसके अंदर चलते हैं। मैं आपको दिखाना भूल गया, ये वाली जो जगह छोड़ी होती है ना, ये जगह छोड़ी होती है भाई टो करने के लिए। टो वाली जो रॉड होती है वो यहाँ पर लग के घूम जाती है, तो उसके साथ हम टो कर सकते हैं। एक साइड यहाँ पर और एक साइड यहाँ पर भी है। वो मेरे हिसाब से पुराने ड्राइवर की टूटी हुई है भाई, पहले ही इसकी हालत ऐसी थी थोड़ी सी, मैंने तो अभी 1 महीने पहले ही उठाया इसको। बाकी अगर हम बात करें हुड मिरर की, हुड मिरर इसके थोड़े से नीचे रह जाते हैं। जब बंदा वहाँ पर सीट के ऊपर बैठता है ना तो हुड मिरर अच्छे से नहीं देखते, सीट हमको ऊपर उठानी पड़ती है थोड़ी सी, फिर हुड मिरर देखते हैं। और जो साइड वाले मिरर हैं वो इसके वॉल्वो से छोटे हैं पर बहुत ही प्यारे हुड मिरर हैं। सबसे पहले इसको खोलते ही बूट यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर बूट रह जाते हैं। अगर गंदा काफ़ी हो तो वहाँ पर चले भी जाते हैं कुछ टाइम के लिए, बाद में सफाई हो जाती है। स्पेशल मैंने आज अभी सफाई की है वीडियो बनाने के लिए, तो शूज़ यहाँ पर उतार देते हैं। और इस साइड में अपनी पानी की बोतल रखता हूँ पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जगह कम ही है ना तो यहाँ पर रखना पड़ता है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कचरा अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ सारी पानी की बोतल। इसको कर दिया बंद। पहले हम आ जाते हैं इन बटनों के ऊपर, ये लॉक वाला बटन है, ये अनलॉक वाला बटन है। ये काफ़ी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मान लो आपने बाहर निकलने वक्त ऐसे ओपन करके यहाँ पर हाथ लगा दिया तो ये लॉक हो जाएगा बाहर से। जब आपने ऐसे लॉक कर दिया तो अभी ये बाहर से लॉक हो गया। और इसको अगर हम अंदर है तो खोल सकते हैं, बाहर से हम नहीं खोल सकते। तो इसकी एक चाबी आप एक्स्ट्रा भी रखो बाहर। तो ये है अनलॉक का बटन, शीशे नीचे करने के लिए, शीशे ऊपर नीचे। और ये है शीशे नीचे वगैरह करने के लिए। और ये हीट के लिए है, मिरर की हीट होती है जो हमारे मिरर गीले हो जाते हैं ना उसकी वजह से। तो ये साइड मिरर को सेट करने के लिए, यहाँ से हम मूव कर सकते हैं उसको। और फिर ये हमारा आ जाता है डैशबोर्ड। तो ट्रक को कर लेते हैं स्टार्ट, अभी ट्रक हो गया हमारा स्टार्ट।
तो यहाँ पर ऑडोमीटर, आरपीएम, ये सारी गेज है हमारी, ऑयल वाली गेज, फ्यूल वाली गेज, डेफ की गेज भी इसके बीच में ही है, एयर वाली गेज है, दोनों एक ही। ये फ्रेट लाइनर है ना, तो ये एक ही गेज में दोनों चीज़ शो कर देता है। जैसे मान लो फ्यूल है नॉर्मल और जो डेफ है वो ब्लू वाला है, तो एक ही गेज में सारा कुछ शो कर देते हैं। और एयर और वाटर का टेम्परेचर, वाटर मतलब इंजन का टेम्परेचर। और काफ़ी बड़ा हुआ है डैशबोर्ड इसका, इसमें इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जो चीज़ आप देखना चाहते हो आपको सभी कुछ मिल जाता है। यहाँ पर रीजन लगा सकते हो आप, वो म्यूज़िक वाला आ गया, सेटिंग्स आ गई, सेटिंग में डैशबोर्ड ब्राइटनेस, लाइटिंग, यूनिट्स, टाइम, लैंग्वेज, कस्टम गेज, तो ये काफ़ी कुछ है, इसके अंदर नहीं हम ज़्यादा जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे बटन वगैरह हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मोस्टली व्हील लॉक वाले बटन हैं, यहाँ पर फिफ्थ व्हील वाले बटन हैं और ये व्हील वाले हैं। सॉरी, फ़ोन नीचे गिर गया हमारा, उनको रख देते हैं साइड में। और काफ़ी सारे बटन यहाँ पर हैं और काफ़ी सारे बटन यहाँ पर हैं। इसके अंदर लाइट वाले बटन है और ये फुट वाली लाइट का बटन है, लाइट टेस्ट का बटन है, तो ये बैक वाली लाइट चलाने के लिए, ओवर राइड करने के लिए। अगर मान लो आपके ट्रक में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपका ट्रक बंद होने लग जाता है। जब इसके अंदर प्रॉब्लम आती है ना, रीजन की प्रॉब्लम आती है, तो आपका ट्रक बोलेगा कि 2 मिनट में मैं बंद हो जाऊंगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। पर जब टाइमर आता है तो आप ओवरराइड करके अपना टाइम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी बंदे इसको 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऐसे निकाल जाते हैं ओवरराइड कर करके। और इधर टेम्परेचर वाले बटन है, तो इधर भी कुछ गेज है हमारे वेट के लिए। और ऊपर डेक का, इसके आप इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़े से 2 खाने हैं, तो इसमें आप अपना सामान रख सकते हो। और ऊपर थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पर अपने सामान के लिए रखी है, और कैमरा वगैरह यहाँ पर रखा है। मैं यहाँ पर कैमरा लगाता हूँ अपना सामने व्यू के लिए। और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पैसेंजर सीट है, पैसेंजर सीट की थोड़ी सी हालत आपको दिखाने के लायक नहीं है, पर ड्राइवर सीट की हालत काफ़ी अच्छी है। तो ये है भाई हमारा डैशबोर्ड व्यू। ऊपर 2 खाने, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो। हमने थोड़ा बहुत सामान अंदर रखा है, छोटा सा ही खाना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अंदर आप अपना सीबी रेडियो लगा सकते हो, जो ड्राइवरों के पास सीबी रेडियो होता है, हमारे पास नहीं है, पर मोस्टली ड्राइवरों के पास होता है, तो यहाँ पर लगाते हैं। एक सेम खाना इस साइड के ऊपर है, तो ये रहा एक खाना। इस खाने को मैंने मोस्टली, जो हमारी पीपीई होती है ना, पीपीई होती है भाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो वो सारे इक्विपमेंट मैं इसके अंदर रखता हूँ, क्योंकि सेफ्टी वेस्ट हो गया, हेलमेट हो गया, जो आप ये वाला हेलमेट देख रहे हो, और सेफ्टी ग्लासेस हो गए, सेफ्टी सूट हो गया, तो मैं इसमें रखता हूँ। और ऊपर मैंने थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है, पेपर वर्क वगैरह, और वहाँ पर मैं खाने पीने की चीज़ें रख देता हूँ, और यहाँ पर मोस्टली मेरा पेपर वर्क रहता है। तो फिर इसके बाद भाई हम थोड़ा सा घूम जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए एक ड्रॉर आते हैं, ऊपर भी ड्रॉर है और नीचे भी ड्रॉर है। इसमें मैं अपना चूल्हा वगैरह रखता हूँ, चूल्हा और फ्राई पैन बाहर आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको अंदर रखते हैं। चूल्हा और फ्राई पैन रहता है इसमें, कोई भी मतलब मैं बर्तन रखता हूँ तो इसमें रखता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बैग रखा हुआ है, इसकी मैं सेटिंग करूँगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी सेटिंग करेंगे अच्छे से, इसको निकालेंगे, और ये बैग की हमें ज़रूरत नहीं है बाद में। तो ये खाना मोस्टली खाली रहता है, इसके अंदर मेरा बैग है एक। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ से घूमते हैं दूसरी साइड को, तो यहाँ पर हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर के साथ नीचे फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर थोड़ा सा खाना है छोटा सा, और फ्रिज में आपको दिखा देता हूँ। फ्रिज का ना जो लॉक है वो टूटा हुआ, तो इसलिए इसके ऊपर बंजी चढ़ाई हुई है। तो ये इसमें फ्रिज है, ये मेरी खाने का सामान है, काफ़ी खुली फ्रिज है इसकी, जो वॉल्वो की फ्रिज थी वो मान लो कि एक और 1.25 गेट के पास थी, और इसकी मेरे हिसाब से 2 गेट के पास है, 1.25 गेट। तो ये हमारी फ्रिज है, इधर भी कुछ खाने हैं हमारे, तो फ्रिज को कर देते हैं बंद, और आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं ऊपर। और ऊपर माइक्रोवेव के लिए स्पेस है, और ऊपर जगह है बैग वगैरह रखने के लिए, तो ये चीज़ हमने बंद कर दी। मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर भी जगह बन सकती थी, इसके ऊपर की वाली जगह ना खाली छोड़ते तो सामान ऊपर भी काफ़ी बन सकता था, ऊपर भी एक खाना बना सकते थे। तो ऊपर भाई इसकी जो लाइट है, एक एम्बर लाइट है, एक एम्प लाइट है, और एक स्लीपर बर्थ है, और एक आगे लाइट है। ये जो जग रही है, ये वाली जो लाइट जग रही है, ये एम्प लाइट ही है, और बीच में है डॉम लाइट। तो अगर हम एम्प लाइट बंद करते हैं, तो ये सारे कॉर्नर बंद हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है इसके बटन, तो ये है एम्प लाइट, ये देखो अभी अकेला स्लीपर बर्थ होना है, तो हम स्लीपर बंद कर देते हैं और एम्प लाइट को ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देखो ये सारा जग रहा है, तो लाइट काफ़ी है भाई फ्रेट लाइन में, वॉल्वो में इतनी लाइट नहीं है। और मेन बात, अगर आप इसको बंद कर दो ना वॉल्वो में,
तो आपको आगे लाइट नहीं मिलेगी, पर इसमें आगे भी लाइट है। वॉल्वो के अंदर आगे लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट है पर ऊपर वाली नहीं है। मैंने सोचा कि बेड को नीचे कर लेते हैं, तो ये भाई ऊपर भी बेड है, इसको हम बंद भी कर सकते हैं, और वो ऊपर दो स्पीकर है। अगर आप ऊपर वाले बेड के ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो ऐसे हमारे लिए सीढ़ी निकल आती है, तो ऐसे हम इसके ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और ऊपर का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर वाला बंदा सो सकता है, नज़ारा तो किस चीज़ लिए है, ये ऊपर वेंट है। और भाई सेम चीज़ नीचे, नीचे वाला बेड काफ़ी कंफर्टेबल होता है, ऊपर वाला इतना कंफर्टेबल नहीं होता, नीचे वाला बेड पूरा कंफर्टेबल होता है। तो ये हमारा बेड है, तो यही है भाई, जो भी है वो सीट बेल्ट होते हैं मोस्टली बंदे लगाते नहीं ड्राइव करते वक्त, जो टीम में चलते हैं ना तो एक बंदा पीछे सीट बेल्ट लगाता है। देखना चाहते हो तो वो भी आपको दिखा देते हैं, पहले मैं इसकी जो सीढ़ी है ऊपर लगा दूँ। तो ये देखो भाई ऐसे आए, ये सारा जाल यहाँ पर, इस ये यहाँ पर लग जाता है, और ये इस साइड पे, और एक दो ऐसी भी है जो इस साइड के ऊपर ऐसे लगती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा जाल बन जाता है, जो बंदा पीछे सो रहा है और दूसरा बंदा ड्राइव कर रहा है, तो पिछले बंदे की सेफ्टी के लिए बाय चांस आगे कुछ ना कुछ हैपन होता है। इस बंदे के पास तो अपनी सीट बेल्ट है तो, पर पीछे वाले के पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ना कुछ हुआ तो इसके साथ लगेगा जहाँ वो आगे आ जाएगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए ये अगर कुछ होता है तो इसके अंदर बंदा फंस जाए। तो काफ़ी बंदे हैं जो इसको लगाते नहीं, पर वो अपनी अपनी है भाई, जो बंदा लगाना चाहता है लगाता है। मैं तो भाई जब मैं टीम में था तो मैंने तो लगाई है भाई, अपना हर एक जगह हर एक टाइम के ऊपर लगाई है, और मैं अपने टीममेट को भी लगवाता था, मैंने उसको बोला था कि भाई हम लगाएंगे, सेफ्टी अपनी है, अपने हाथ में अपनी सेफ्टी, अगर कुछ ना कुछ हैपन होता है तो हमारा ही है उसमें। और मिरर के ऊपर भाई ये कैमरा है, आपने देखा ही होगा कि कैमरा लगा है, हमें देख रहा है, देखता रहे भाई देखता रहे। और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, ये कब देखता है कब नहीं। और इस साइड पे है हमारा GPS। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर भाई ट्रैकिंग व्लॉग देखना चाहते हो, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, अगर ट्रैकिंग व्लॉग देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके ट्रैकिंग व्लॉग देख सकते हो। फ्लैट बेड की ट्रैकिंग भी देख सकते हो, ड्राई बैंड की ट्रैकिंग भी देख सकते हो। ड्राई बैंड मैं पहले चलाता था, अभी मैं फ्लैट बेड चलाता हूँ। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।